रायगढ़ में लगातार डेंगू के मरीज मिलने की खबरों से जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अलर्ट पर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम आयुक्त महापौर और पूरी टीम शहर के हर वार्डों में घूम घूम कर डेंगू जागरूकता अभियान चला रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शहर के चारों ओर भारी मात्रा में गैरेज और टायर दुकानों के संचालन को लेकर भी खबरें हैं और सभी जगह भारी संख्या में पानी का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। इस गंभीर विषय को लेकर महापौर से बात करने पर वो गोलमोल जवाब देते दिखाई दिए। शहर के भीतरी इलाकों में तो नगर निगम की पूरी टीम घूमकर पोस्टर चस्पा कर रही है, वहीं शहर के बाहरी इलाकों में स्थिति गैरेज और टायर दुकानों पर किसी प्रकार का कोई भी जागरूकता अभियान का असर नहीं दिख रहा। अभी डेंगू का प्रकोप तो बढ़ ही रहे लगातार, उसी को देखते हुए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं लगातार हर वार्ड बाई वार्ड करके पूरे निगम के टीम हमारे जनप्रतिनिधि के सहयोग से। तो हम लोग इसमें जन जागरूकता फैलाते हैं, कहीं टायर ट्यूब का दुकान होता है, गैरेज होता है, होटल होता है, तो उसमें हमारे नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उनको नोटिस दिया जाता है और पेनाल्टी का भी नियम है। और हमारे सफाई दरोगा है, सुपरवाइजर है, ये दोनों जाके हमारे जो निगम का गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। अगर नहीं मानते हैं तब उस स्थिति में हम लोग पेनाल्टी करते हैं।